अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाज़ार गई थी तो मुझे सूट के लिए ये कपड़ा पसंद आया। इसका प्रिंट और कलर दोनों अच्छे लगे। मैंने कहा आज नाप तोल के कटिंग नहीं करती हूँ, ये कुर्ती जो मैंने रेडीमेड ली थी इसी को रख कर डायरेक्ट काट दूँगी। और लेकिन ये बाज़ार की जो रेडीमेड कुर्तियाँ आ रही हैं इनके गले बहुत छोटे होते हैं। कमीज़ की जितनी लंबाई रखनी थी वो मैंने कटिंग कर ली और अगले पिछले दोनों पीस अलग कर लिए। कुर्ती के दोनों कंधे और दामन डबल करके आपस में मिलाए और जहाँ से कुर्ती के कंधे जुड़े हुए हैं वहाँ से हमने चौक से उसके ऊपर उसी तरह निशान लगा दिया। आजकल चौक भी ऐसी आ रही है कि निशान लगाने ही लगाने में हाथ में टूट रही हैं। बगल गहराई पे निशान लगाने के बाद बगल से लेके और चौक तक सीधी सी उसके साथ ही साथ मैंने लाइन लगाई। गले के लिए कमीज़ का जो बंद हिस्सा है वहाँ पे इंची टेप रखते और 3 इंच के फासले पे हमने निशान लगा दिया। कंधे की ढलान बनाने के लिए आधा इंच के करीब हमने निशान लगाया और उस निशान को गले के निशान तक आपस में मिला दिया। ऊपर कंधे से लेके और नीचे तक तकरीबन 5 इंच के करीब निशान लगाया और बगल गहराई से आधा 2 इंच के फासले पे निशान लगा दिया कटिंग के लिए। और जो नीचे का हिस्सा है बगल गहराई के बाद का वहाँ पे 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा दिया। और फिर हमने उस निशान के ऊपर इसकी कटिंग कर ली और जो पहले वाले निशान लगे हुए हैं उस पर सिलाई करेंगे। कमीज़ के पिछले हिस्से को भी हमने डबल करके बिछा लिया और उसके ऊपर अगला हिस्सा रख के और उसी तरह निशान लगाएंगे। और हमने 5 इंच के फासले पर जो निशान लगाया था तो अगला पिछला हिस्सा जो है वो बराबर वहाँ तक कटेगा। और पिछले हिस्से के लिए हम फिर आधा इंच के करीब अलग से निशान लगाएंगे। इस तरह करने से ये होता है कि कमीज़ सिलने के बाद जब हम पहनते हैं तो बैक वाले हिस्से पे खिंचाव नहीं पड़ता है। अब हम बिल्कुल लगाए हुए निशान के साथ साथ उस पर कटिंग करते हुए आ जाएंगे। नीचे दामन के आखिर तक हम उसको कटिंग कर लेंगे। मैं वैसे आमतौर पे अपने जो कपड़े सी रही होती हूँ तो उसकी मेजरमेंट जो है वो इंची टेप के हिसाब से करती हूँ और अपने फिगर की नाप वगैरह लेके और उस तरह कटिंग करती हूँ और सिलाई करती हूँ। इस तरह शर्ट की फिटिंग बहुत खूबसूरत आती है। शर्ट के फ्रंट के हिस्से पे गले की कटिंग करने के लिए जहाँ हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ से लेके और नीचे तक 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसी निशान पे। और फ्रंट की कटिंग करने के बाद हम बैक की कटिंग भी कर लेंगे और बैक पे हम गला गहराई जो है वो 4 इंच रखेंगे। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड है, आप चाहें तो कम रख लें ज़्यादा रख लें। अगर इंची टेप की मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग कटिंग चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं मज़ीद आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।